हाय गाइस, वेलकम टू चिली सीड्स किचन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ तीखी और खट्टी सी सब्जी, जिसे हम बनाएंगे प्याज, कच्चे आम और हरी मिर्चों से। ये सिर्फ 10 मिनट में आप बनाकर रेडी कर सकते हैं और 4 से 5 दिन के लिए आप इस सब्जी को फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, खाने में तो लाजवाब है इसका टेस्ट। तो चलिए फिर फटाफट इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 100 ग्राम हरी मिर्च और 3 कच्चे आम। हरी मिर्च को अच्छे से धो के मैंने टिश्यू पेपर से पोंछ लिया है और उसके बाद इसकी सारी डंडियां हम तोड़ देंगे। डंडी तोड़ने के बाद जिस भी शेप में आप काटना चाहें इन्हें काट लें, ये मैंने लंबी लंबी काटी हुई है। अब ये सारी मिर्चें कट चुकी हैं, अब हम इन्हें साइड में रखेंगे और उसके बाद ये जो कच्चा आम हम लेंगे इनका भी हम छिलका निकाल लेंगे। इसे चाकू से इस तरीके से गोल गोल घुमा के आप काटेंगे तो इजीली ये कट जाएगा, या अगर आप चाहें तो पिलर्स भी इसे पिल कर सकते हैं। अब इन्हें भी हम स्लाइसेस में कट कर लेंगे, क्योंकि मिर्चें भी हमने स्लाइसेस में कट की हुई हैं, तो कच्चा आम भी हम स्लाइसेस में कट कर रहे हैं और आगे जो प्याज है वो भी हमने स्लाइसेस में कट किए हुए हैं। अगर आप चाहें तो क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं। अब ये तीनों चीज़ें हमने कट कर लिए। अब इसके बाद इसमें हम लगाएंगे तड़का। तड़का लगाने के लिए सबसे पहले मैंने 3 बड़े चम्मच तेल गरम किया है, उसमें मैं डालूँगी 1/4 चम्मच हींग, 1/2 चम्मच मेथी दाना, 1/2 चम्मच धनिए के दाने, 1/2 चम्मच ज़ीरा और 1/2 चम्मच राई के दाने। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन को हमें हल्का ब्राउन होने तक पकाना है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक और अब हम इसमें डालेंगे सूखे पीसे मसाले। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। अगर आप मिर्चें कम खाते हैं तो आप हरी मिर्च की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, या आप चाहें तो लाल मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इस मसाले में डाल देंगे प्याज कटे हुए, हरी मिर्च कटी हुई और कच्चा आम जो हमने काटा हुआ था वो। इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद मैंने इसमें डाला है 1/2 चम्मच नमक। अब हम इसे ढककर 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पर, और बीच बीच में आप इसे चेक करते रहें, नहीं तो हो सकता है कि ये जल भी जाए, क्योंकि हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। अब 4 से 5 मिनट बाद देखेंगे कि ये पक चुका है। हमें एक थोड़ा सा सब्जियों को क्रंची ही रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब मैं इसमें डालूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/4 चम्मच गरम मसाला। अब ये सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अब इसे सर्व करते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, टेम्पटिंग दिख रही है। बस सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगेंगे आपको इसे बनाने में। सो गाइस, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप आगे भी इसी तरह की झटपट वाली रेसिपी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।